नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। कल क्लास नहीं मिली थी इंटरनेट के इशू की वजह से, अभी फिक्स हो गया आपका। और बायोलॉजी की क्लास भी मैं आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिजिक्स, बायोलॉजी और जीके मिक्स की क्लास अभी आपकी चलेगी, ठीक। रीजनिंग के लिए अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा एवरी क्लास का, ठीक। चलिए शुरू करें, उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी पे 17 नवंबर से नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं एसएससी एग्जाम्स को लेकर, जिसमें आपके अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा 15 नवंबर से, सफलता बैच है एसएससी सीजीएल सीएसएसएल के लिए 17 नवंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए 17 नवंबर से, सीट एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच अनाउंस किया जा रहा है 17 नवंबर से। इसके अलावा कंप्लीट बैच है जीएस के लिए एसएससी एग्जाम्स के लिए, ये आपका 17 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा फोनिक्स बैच है टीम फोनिक्स एसएससी सीजीएल सीएसएसएल के लिए 17 नवंबर से। और अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारे फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे आपके आस्क ए डाउट का फीचर है, जहां पे आप अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन के, बुक के या फिर कहीं के भी। इसके अलावा अभी अगर जो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर का लेने पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा, 2 ईयर का लेने पे 8 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला, ठीक। और अभी बहुत सारे फ्री क्लासेज अनअकैडमी के ऐप पर भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपका मंडे मास्टर क्लास है, तूफानी ट्रिक्स ट्यूजडे है, वेडनेसडे वर्कशॉप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें, एसएससी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज भी अनाउंस किए गए, जिसमें फ्री भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, प्लस वालों के भी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, पूरा चार्ट आपके सामने दिया गया है, ठीक। चलिए इसके अलावा अगर जो हम बात करें, आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हो एवरी संडे, और इस संडे वाला टेस्ट भी दे सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। गुरु टिप्स कोड यूज करो, एनरोल कर लो संडे को दो। इसमें आपको फायदा ये रहेगा कि आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप यहाँ पे प्राइज भी जीत सकते हो, साथ में 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी जीत सकते हो। और गुरु टिप्स कोड यूज करके कोई भी प्लस ये कोर्स बाय करते हो तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला। चलिए शुरू करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अमीबिक पेचिस किसके कारण होता है? अमीबिक पेचिस किसके कारण होता है, इसका आंसर क्या होगा? अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो अमीबिक पेचिस होता क्या भाई, इसमें पेट दर्द होता है, ठीक है, बार बार आपको जाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें होती है अमीबिक पेचिस। सबसे पहले इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है, ठीक। किसके कारण होता है, ये परजीवी के कारण होता है। कौन सा परजीवी होता है आपका? एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ठीक। चलिए और साल्मोनेला टाइफी की बात करें, इससे क्या होता है, ये ध्यान का एक विषाणु होता है, और आपने सुना होगा टाइफाइड का नाम सुना होगा कि भाई उसको टाइफाइड हो गया है, और वो साल्मोनेला टाइफी नामक विषाणु से होता है। वैसे अमीबिक पेचिस किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, किसके कारण होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। धातु के तार में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है भाई? सन है हमारा ना, उससे बहुत सारी यूवी रेज आती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जो हमारे लिए नुकसान होती हैं भाई, उनको रोकना भी जरूरी है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ये पृथ्वी है तो उसमें एक लेयर होती है, आपने पढ़ा होगा समतापमंडल, समतापमंडल, उसी समतापमंडल की बात कर लो जहां पर सब मौसम समान रहता है और जहां पे जेट प्लेन्स उड़ते हैं, ठीक, और इसी में आपका पाया जाता है ओजोन, ओजोन मंडल या ओजोन O3 जिससे डिनोट करते हैं, ये हमारे जो पराबैंगनी यूवी रेज होती है उनको अवशोषित कर लेता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 16 सितंबर इंपॉर्टेंट डेज है, ओजोन डे मनाया जाता है, क्या, ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापता है? फिर प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर जो ये यूनिट किलोमीटर में दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। तो किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड दोनों में याद कर सकते हो, लेकिन प्रकाश के वेग की बात करें भैया तो सर्वप्रथम रोमन ने नापा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि गैस क्या होती है, क्योंकि गैस तरल से अधिक
फैलती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसलिए संवेदनशील होती है, ऑप्शन नंबर बी। छह की बात करें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमेरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट? इसका आंसर क्या होगा भाई, चलिए कमेंट करके बताइए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उनसे कहो एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो रिवीजन आपका है ना रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए, उसको स्टार्ट कर सके, जिससे वो शुरू कर सके। ठीक, चलिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम बात करें केवलर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सेवंथ की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? भैया हीरा, हीरा भाई कोयले से निकलता, कोयला मतलब कार्बन, ग्रेफाइट कहां से निकलता है तो मुझे बताने वाली बात नहीं है, कोयला भी कोयला है, तो भाई इनमें से कोई नहीं, सब में कार्बन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एट की बात करें, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? द पोल्यूटेड गैस एमिटेड फ्रॉम व्हीकल इज मेनली, क्या आंसर होगा इसका? तो ये आ जाएगा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नौ की बात करें, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? Which was the major pollutant responsible for Bhopal gas tragedy? तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। भैया भोपाल गैस त्रासदी का नाम पता नहीं, मैं सुनता हूं ना, तो मेरे दिमाग में तो पैदा भी नहीं हुआ था, शायद आप भी नहीं पैदा हुए होंगे, इतनी बड़ी घटना थी, दिल दहल जाता है, मतलब सुने के धड़कने तेज उठती है, 25,000 लोग लगभग मरे थे, ये आंकड़ा कोई भी कन्फर्म नहीं है, बस ये कहा जा रहा है, प्रभावित तो बहुत लाखों में लोग हुए थे। ठीक, तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करिए, मध्य प्रदेश में भोपाल नामक जगह पे, भोपाल नामक जगह पे, ठीक, यहाँ पे एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड ही था ना, हाँ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस लीक हो जाती है, और ये जहरीली गैस थी, रातों रात कई लोग तो सुबह देख ही नहीं पाए, मर गए। अब क्या बोले हम, चलिए डेट भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984, मेरे जन्मदिन के ठीक दो दिन बाद, रात को हुआ था ये, तो 2 दिसंबर रात में हुआ था, वैसे 3 दिसंबर ही पढ़ा जाता है, लेकिन याद रखिएगा 2 दिसंबर रात में हुआ था ये लीक। ठीक है, चलिए, हम पैदा भी नहीं हुए थे तो हम जन्मदिन क्या मनाएंगे भाई, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मार्च 2021 में किस देश द्वारा अंतरिक्ष के पहले सैन्य अभ्यास एस्ट्रेक्स को लॉन्च किया गया? क्या आंसर होगा, किस देश के पहले सैन्य अभ्यास एस्ट्रेक्स को लॉन्च किया गया? तो ये किस देश का पहला सैन्य अभ्यास है? फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल याद है ना बाबू, पेरिस होता है कैपिटल, यूरो होती है करेंसी, ठीक बाबू याद रखना, यूरो करेंसी होती है। सागा दवा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? सागा दवा इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, सागा दवा सिक्किम का एक प्रमुख त्यौहार है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए सिक्किम का कैपिटल क्या है, सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, और सिक्किम, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, बताइए कमेंट करके। सिक्किम 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 बताइए, सिक्किम के सीएम कौन है? तो सिक्किम के सीएम कौन है भाई, सिक्किम के ये है आपके प्रेम सिंह तमांग, क्या है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक, सिक्किम के सीएम है। कैपिटल तो याद ही होगा भाई, कैपिटल क्या मुझे बताना पड़ेगा, गंगटोक, गंगटोक, और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल है, गंगा प्रसाद, ठीक, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए रजत पदक जीता? अच्छा क्वेश्चन भाई, मीराबाई चानू ने शुरुआत किया था भैया, शुरुआत किया था भारत के मेडल टैली का, जो सूखा था उसको खत्म किया था, सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में भारत तोलन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस स्टेट से आती है मीराबाई चानू? मणिपुर से आती है, मणिपुर, ठीक, मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है भाई, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैं यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन भी लगा सकता हूं, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दोनों प्रकार से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्वालिफाइड इन द इंडियन सिविल सर्विस?
क्या आंसर होगा? भारतीय सिविल सर्विस में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की बात करें, यह हम 10 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, कौन सा देश हाल ही में, ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम ही नहीं देखो बाबू, ये आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला, जो जीके मैं करा रहा हूँ, जो आपके फिजिक्स मैं कराऊंगा, जो बायो मैं कराऊंगा, ठीक। तो कौन सा देश हाल ही में 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया? तो 2 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश क्यूबा। क्यूबा को और क्या बोलते हैं भाई, फेमस है, बताइए। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये किसको बोलते हैं? आपके क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर बात करें 17, भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉक टावर का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ? भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉक टावर क्या है भाई? ये पोल्यूटेंट, अभी आप बहुत दिवाली के बाद आपने सुना होगा दिल्ली में धुंध सा छा गया, इतना पोल्यूशन है, तो स्मॉक टावर की बात जरूर होगी। तो कनॉट प्लेस यानी कि सीपी में पहला स्मॉक टावर लगाया गया, जो 1 किलोमीटर रेडियस में जो धुंध है, जो पोल्यूटेंट है, हवा है, उसको शुद्ध करने का काम करेगी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, G20 बैठक के लिए हाल ही में किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Sherpa of the Indian for the G20 meeting recently? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ऑप्शन नंबर सी। 19 की बात करें, 24 टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? 24 टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, देश में सबसे अधिक 107 भाषाएं बोले जाने वाला पहला जिला हाल में कौन सा बना? Which district has recently become the first district to speak the most 107 languages in the country? तो हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। 21 की बात करें, वतन प्रेम योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? वतन प्रेम योजना तो ये शुरू किया गया गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? इसका आंसर क्या होगा? Who has been the president of International Road Federation of India? बताइए, Who has become president of the International Road Federation of India? तो ये बने हैं आपके सतीश पारेख, ऑप्शन नंबर डी। 23 की बात करें, रजनीश कुमार हाल ही में किस राज्य के आर्थिक सलाहकार बने हैं? रजनीश कुमार हाल ही में किस राज्य के आर्थिक सलाहकार बने हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, बताइए। रजनीश कुमार हाल ही में किस राज्य के आर्थिक सलाहकार बने? तो ये राज्य इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये राज्य इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल आप बताओगे कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूँ भाई, 3 राजधानियां हैं, तो ये 3 राजधानियां कौन कौन सी है कमेंट करके बताना। वैसे आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है, और विश्वभूषण हरिचंदन ये यहाँ के गवर्नर है, ठीक। चलिए गवर्नर है, याद रखना। 24 की बात करें, हाल ही में सरकार द्वारा जारी डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? विच बैंक हैज टॉप्ड द डिजिटल स्कोर कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली? इसका आंसर क्या होगा बाबू, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। 25 की बात करें, निम्न में से असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया, ठीक। आसाम का शास्त्रीय सत्रिया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो होते हैं ना, इसके आपके प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान की राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, थाईलैंड की राजधानी आपको बताना, थाईलैंड बैंकॉक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां स्थित? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, ठीक। तो मैं यहां पे याद कर रहा हूं आपको, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक, तैरता हुआ नेशनल पार्क आपसे पूछे तो आपका कौन सा है? केबुल लामजाओ। तो ये आपका मणिपुर में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ओंकारेश्वर बांध कहां स्थित है? ओंकारेश्वर तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर? तो ये भी याद रखना भैया, नर्मदा नदी पर, ठीक। 31 की बात करें, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदड़ो?
मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन नंबर ए। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल बालिका दिवस हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 33 की बात करें, सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? थ्रो विच पासेस डज द रिवर सतलज एंटर इंडिया? तो सतलज नदी की बात करिए सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर सी। पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पिन घाटी, वेयर इज द पिन घाटी नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। दीनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? हु इज द फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम? तो ये भी याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा विषाणु वायरस से होने वाला रोग नहीं है? ठीक, तो वायरस से होने वाला रोग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हैजा, ये वायरस से नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे बोलते हैं? टी एच मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, 2019 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता कौन रहा? 2019 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता, अभी देखो जो विश्व कप हुआ है इसका मैं पूरा एक टॉपिक लेकर आऊंगा भाई, एक टॉपिक में पूरे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके लिए घबराइए नहीं। 2019 की बात करें, इसमें जो उप विजेता रहा था, देखो इंग्लैंड में हुआ था, सबसे पहले ये जानना, सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाया था। ठीक, फाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, और इंग्लैंड इसे उप विजेता, इंग्लैंड उप विजेता रहा था। ठीक ठीक है, चलिए आगे बात करें, उससे पहले कुछ चीजें जिनको जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अगर जो मैं बात करूं कि अभी जो वर्ल्ड कप हुआ ये कहां पे हुआ? ये यूएई दुबई में हुआ, होना था भारत में। नेक्स्ट, ठीक अब से 11 महीने बाद आपका एक और वर्ल्ड कप होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक, चलिए पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें, पुरुष हॉकी विश्व कप, 2023 ये कहां होगा? ये भारत में होगा। ठीक, भारत में होगा। 13वां पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ये भारत में होगा। ठीक, फीफा की बात करें, 22वां जो 2022 में होना है, दोहा कतर में होगा विश्व कप, और ओलंपिक नेक्स्ट वाला 24 में होगा पेरिस में। ठीक, चलिए राष्ट्रमंडल खेल 22वां 2022 में होगा, बर्मिंघम यूके में होगा। ठीक, और एशियाई खेल जो होने वाला है 2022 में, 19वां हांगझोउ चाइना में होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, 38 हमारा हो गया। 39 की बात करें, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो ये था यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। और 40 की बात करें, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वंदे मातरम। आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से, और आनंद मठ किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। इसको गाने में 65 सेकंड का टाइम समय लगता है, ये भी याद रखेगा। तो दोस्तों ये थे आज के बाबू, ठीक है, ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो फिर से मैं बोलता हूँ यार, शेयर करो कम से कम अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, ठीक है, बताओ कि यहाँ पे जबरदस्त क्लास चली, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और लाइक करो, कमेंट्स अच्छे अच्छे करना, ठीक है, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। और बायोलॉजी में शुरू कर रहा हूँ, टाइमिंग का मैं बता दूंगा आपको कल से टाइमिंग क्या होगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।